दोस्तों इंडिया में मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है आरबीआई ने 22 जुलाई से। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, आपका क्या लॉस जा सकता है और बैंकों का क्या नुकसान होगा, पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड एक प्रकार का नेटवर्क है। जब किसी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक वाले आपको मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या आपको रुपे कार्ड दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बैंक ने इशू किया है वीजा कार्ड, तो वीजा कार्ड तो बैंक ने आपको दिया है, बट उसका नेटवर्क कौन है, वीजा कार्ड है। तो आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो आपने अपना ट्रांजैक्शन किया पेटीएम को, तो पेटीएम एक मर्चेंट हो गया, तो अब आपके अकाउंट से जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हो पेटीएम को, तो आपके अकाउंट से पैसा कट के जाएगा पेटीएम के पास। इसके लिए एक नेटवर्क चाहिए। तो जो मास्टर कार्ड है, जो वीजा कार्ड है, काम क्या करता है, ये उसका जो नेटवर्क है, आपका पैसा यहां से कट के वहां पे चला जाएगा, तो इसके लिए एक नेटवर्क का होना जरूरी है। तो इसी के लिए, इस काम के लिए आपको यूज किया जाता है आपका एक नेटवर्क। तो आपका ओनली वीजा और मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड एक नेटवर्क है। इसका काम सिर्फ इतना है कि आपके ट्रांजेक्शन को यहां से वहां तक के पहुंचाने वाला काम है। बट आरबीआई ने 2018 में एक नियम लागू किया था कि जो भी डेटा है वो इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी कस्टमर अगर ट्रांजेक्शन करता है, अगर कोई भी लेनदेन करता है, उसका डेटा इंडिया में रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर मान लो इंडिया के बाहर कंट्री का जो अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है वहां पे जाके, तो ये डेटा कुछ टाइम के लिए प्रोसेस किया जाएगा, फिर से इंडिया में स्टोर हो जाएगा, बट इसे इंडिया के बाहर नहीं ले जाना है। बट यहाँ पे मास्टर कार्ड ने एक गलती किया और इस डेटा को इंडिया के बाहर कंट्री में किया। इसके वजह से यहाँ पे आरबीआई को जब ये चीज को शक हुआ, पता चला, तो आरबीआई ने 22 जुलाई से इस चीज को बैन कर दिया। बैन करने का कारण ये है कि इसमें लॉस ये है कि बैंक जो इशू कर रहे थे मास्टर कार्ड, अब वो नहीं कर पाएंगे। 22 जुलाई से पहले पहले कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको बैंकों से वीजा कार्ड मिलेगा, रुपे कार्ड मिलेगा, मास्टर कार्ड नहीं मिलेगा। तो अगर इस चीज को अगर मान लो भविष्य में अगर मास्टर कार्ड अगर इसको अगर सुधार करता है या अपने तरफ से कोई भी रिपोर्टिंग करता है, तो शायद भविष्य फिर से आ सकता है, बट अभी के लिए तो मास्टर कार्ड आपको मिलना मुश्किल है। अब यहां पे लॉस किसका गया, लॉस देखिए आपका नहीं गया। क्यों? आपके पास अगर ओल्ड कार्ड है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे पहले काम करता था वैसे आपका ओल्ड मास्टर कार्ड काम करेगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, दोनों में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। अब मान लो बैंक में आपने न्यू अकाउंट ओपन करवाया 22 जुलाई के बाद, तो आपको वीजा या तो आपको रुपे कार्ड मिलने वाला है। अब बैंक को क्या लॉस गया, देखिए बैंक का लॉस ये गया कि बैंक के पास तीन नेटवर्क थे, एक था वीजा, एक था मास्टर, एक था रुपे। तो अब जो है मास्टर कार्ड तो जा चुका है, तो अब बैंकों के पास सिर्फ बचा है वीजा कार्ड और रुपे कार्ड। तो अब आपको ओनली रुपे और वीजा कार्ड मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने इस चीज को बैन लगाया है। आपको पता है कि हम लेन देन करते हैं तो आप सोचते हो कि हम ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं इसका डेटा बैंकों के पास रहता है, बट ऐसा नहीं है। नेटवर्क जो हो गया मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, उनके पास भी एक पूरा सिस्टम रहता है, डेटा जो है रहता है कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ से हुआ है, आपने कितना खर्च किया है। तो आरबीआई कहता है कि देखिए भाई, आप जो लेन देन कर रहे हैं, जो भी कस्टमर लेन देन कर रहा है, ये अगर इंडिया से हो रहा है तो पूरा डेटा इंडिया में रखिए। अगर आप इसे बाहर लेकर जाते हैं, मान लो कोई आज के जमाने में हैकिंग करके बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए पूरा सिक्योरिटी के साथ ये चीजों को लागू किया जा रहा है। बट अगर जो नियम का पालन नहीं करेगा उसके लिए यही नियम आ सकता है। तो यही कारण है मास्टर कार्ड को बैन करने का। अब अगर आप न्यू कार्ड लेते हो, क्रेडिट कार्ड कुछ भी लेते हो, आपको रुपए और वीजा मिलेगा, बाकी मास्टर कार्ड की उम्मीद मत करना। तो यहाँ पे बैंकों को लॉस तो बहुत बड़ा गया भी है और बहुत बड़ा नहीं भी गया, क्योंकि इनके पास तो अभी वीजा कार्ड बचा है, बाकी अपने पता है अपने देश का सबसे बड़ा वीजा कार्ड है, ये बात याद रखना। तो इसी तरीके से आपका मास्टर और वीजा कार्ड काम करता है। शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाया हूं, समझा पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना और दोस्तों में शेयर करना। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।